कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी पिंटू पार्क निवासी 15 वर्षीय छात्रा ने शिकायत की है कि वह अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके घर के सामने ही अनूप गुर्जर नामक युवक रहता है। वर्ष 2019 में अनूप ने छात्रा की दोस्ती अपने भाई बलराम गुर्जर से कराई थी। इसके बाद वर्ष 2020 में छात्रा को अकेला देखकर बलराम ने उसको धमकाकर दुष्कर्म किया और उसके फोटो वीडियो बना लिए। इसके बाद भी वह उसे बदनाम करने की धमकी देकर शोषण करता रहा। अब शोषण से परेशान होकर छात्रा ने बलराम से बात करना बंद की तो बलराम और अनूप ने उसका रास्ता रोका और उसके फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 5 लाख रुपए की मांग की। धमकी से घबराई छात्रा ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया और थाने में शिकायत की। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। थाना गोला मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत एक फरियादिया के द्वारा अपनी माँ के साथ आकर रिपोर्ट की गई कि वो 10th क्लास में पढ़ती है और उसके सैनिक कॉलोनी में ही उसकी के गली में उसके सामने एक लड़का रहता है। तो उसने अपने मित्र से मुलाकात कराई थी और मेरी दोस्ती कराई थी। फिर दोस्ती करने के बाद हम लोगों में संबंध बने और उसके बाद संबंध बनने के बाद उसने फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा और मुझसे 5 लाख रुपये मांगे और बोला कि अगर 5 लाख रुपये नहीं दोगी तो ये तुम्हारे जो फ़ोटो हैं मैं वायरल कर दूँगा। तब जाकर फिर उसने अपनी माँ को बताया, फिर माँ के साथ आकर वो थाने में उसने रिपोर्ट की है। तो थाना गोला का मंदिर में IPC सेक्शन 376, 384, 294, 506, 34 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे आरोपी की तलाश है, जल्दी वो गिरफ्तार होगा। क्या ये आरोपी जो है सर, वो पहले से अपराधी? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है। अभी इस तरह से कोई भी बात अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उनका वो क्रिमिनल रिकॉर्ड विभिन्न थानों से कलेक्ट किया जा रहा है।